टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज डिस्क्राइबिंग मोशन. ओके यस डिस्क्राइबिंग मोशन. देखो बिफोर नोइंग अबाउट मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल यस वी विल नो अबाउट टू थिंग्स दैट इज कैनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. ओके व्हाट वी विल लर्न, वी विल लर्न अबाउट कैनेमेटिक्स एंड डायनेमेटिक्स. ठीक है, व्हाट इज कैनेमेटिक्स, कैन एनी वन आंसर, कैन एनी वन आंसर व्हाट इज डायनेमिक्स और व्हाट इज कैनेमेटिक्स. हाँ जी, कोई आंसर करोगे? हाँ, एटलीस्ट देखो हाँ या ना बोला करो. ठीक है, चुप नहीं रहना चाहिए. वही यस सर, वही बोले. नहीं हाँ नहीं सर, लिख दीजिए. कैनामेटिक्स एंड डायनेमिक्स. पहली बार देखें. डायनेमिक, ठीक है. यस सर. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले इस दो टर्म को समझें क्या होता है. देखो जैसे आज हम लोग मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सिंपली समझो आप मोशन से क्या समझते हो, मूवमेंट. एम आई राइट सर? हेलो. यस सर. मोशन से क्या समझते हो, मूवमेंट. फॉर एग्जांपल सर मोशन. हाँ समीर. हेलो. यस सर. कुछ बोल रहे हो? हेलो सर, आवाज कट कट के आ रहा है सर, क्लियर नहीं हो रहा है सर. वो नेट प्रॉब्लम होगा बेटा. अब आ रही है ठीक से? यस सर. यस सर. देखो मैंने क्या बोला, जो सबसे पहले सिंपल भाषा में अगर कहीं पे तुम मोशन देखते हो आप क्या समझते हो, मूवमेंट से उसको रिलेट करते हो. यस सर. ठीक है, सपोज करो एक बॉडी है, ठीक है, ए. ठीक है. यस सर. तो ए का जो पोजीशन है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, ये कोई पोजीशन है बॉडी ए का. बट विद द टाइम लेट द पोजीशन ऑफ द बॉडी विल चेंज्ड एंड एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड लेट द बॉडी ए चेंज इस पोजीशन फ्रॉम ए टू बी. ओके, मान लेते ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है. ठीक है, टाइम चेंज होने के साथ साथ क्या हुआ, इस बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ. हॉट स्पॉट पे कर देगा. ठीक है, एम आई राइट? यस सर. यस सर. तो हमने क्या बोला, ये बॉडी क्या मूव कर रहा है, नहीं? यस सर. लेकिन अगर ये मूव कर रहा है तो कुछ ऐसा एजेंट होगा जिसके कारण इस बॉडी ए का मूवमेंट हो रहा होगा. यस सर. यस. मूवमेंट क्यों है, मूवमेंट क्या है बेटा? सर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. मूवमेंट क्या है बेटा, मूवमेंट इज द रिजल्ट. और कुछ ऐसा एजेंट होगा जिसके कारण मूवमेंट हो रहा होगा. एम आई राइट? यस सर. सपोज करो अगर आप कहीं पे खड़ा हो, ठीक है, यस सर, सडन कोई आया और आपको धक्का दे दिया, आप क्या करोगे, अनबैलेंस हो जाओगे एंड मे बी यू चेंज प्लेस बिकॉज समवन स्ट्राइक. व्हेन आई से समवन स्ट्राइक यू मींस समवन पुल्ड यू, सॉरी समवन पुश यू, दैट मींस समवन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन यू. यस सर. एम आई राइट और नॉट? यस सर. यस. एंड समवन exert force on you
and this the nature of this force is pushing. Yes, sir. Okay, means because of this pushing force, you shift your position or you change your position. Yes, sir. नहीं, actually में pushing क्या है? एक type का force है जो किसी ने आपके ऊपर लगाया. Suppose करो यहाँ पे देखो, मेरे हाथ में क्या बेटा? फोन है, ठीक है? Yes, sir. ये फोन तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे फोर्स ला के इसके प्लेस को चेंज ना कर दे. अब मैं क्या करूंगा? इस पे एक फोर्स लगाऊंगा और ये क्या करेगा? अपना पोजीशन को चेंज करेगा. नहीं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो चेंज इन पोजीशन दैट मींस मूवमेंट हो रहा है, दिस इज द रिजल्ट. और ये रिजल्ट किसका है? फोर्स का. फोर्स का. एम आई राइट और नॉट? यस सर. जब हम kinematics की बात करते हैं तो हम लोग जिसके कारण movement हो रहा है, जो cause है किस चीज का बेटा? movement का. जो मूवमेंट का कॉज है इसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे. मींस इन काइनेमेटिक्स वी विल नॉट फोकस ऑन कॉज. ठीक है, हम लोग कॉज के ऊपर फोकस नहीं करेंगे. मतलब क्या? वी विल नॉट कंसीडर द फोर्स. यस सर. Will not consider the force. जो kinematics होता है उसमें हम लोग force को consider नहीं करते हैं. किसको consider करते हैं? जो हमारा study होता है सिर्फ और सिर्फ result के ऊपर focus है. और result कहने का मतलब क्या है? इस force का result क्या है बेटा? इस force का result क्या है? Motion. कोई भी object. Yes sir. ठीक है. हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मोशन के ऊपर फोकस करेंगे. मूवमेंट. और जब हम डायनेमिक्स की बात करते हैं, डायनेमिक्स में हम लोग कॉज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं. डायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं? कॉज के ऊपर फोकस करते हैं, नॉट ऑन रिजल्ट. हम लोग डायनेमिक्स में रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं. किस पे करते हैं? कॉज के ऊपर. मीन्स इन डायनेमिक्स हमारा स्टडी क्या होता है? फोर्स के बारे में. ठीक है. यस सर. तो काइनेमेटिक्स और डायनेमेटिक्स में कुछ अंतर समझ में आया? यस सर. जब हम लोग मोशन की बात करेंगे तो मोशन क्या है? रिजल्ट है. काइनेमेटिक्स में कुछ ऐसा एजेंट होगा जिसके कारण क्या हो बेटा? मोशन क्रिएट हुआ होगा. काइनेमेटिक्स में हम लोग उस एजेंट को नहीं स्टडी करेंगे. हम लोग किसको एजेंट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से मतलब रखेंगे. और मेरा रिजल्ट क्या है? रिजल्ट को. Am I right? मोशन. ओके. यस. और जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स हम लोग क्या करते हैं? हमको रिजल्ट से मतलब नहीं है. हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉज पे फोकस करते हैं. कॉज. और जब हम कॉज बोलते हैं, कॉज का मतलब क्या होता है? फोर्स. बिकॉज फोर्स क्या? एक ऐसा एजेंट है जिसके कारण मोशन क्रिएट हो रहा. एम आई राइट? यस. तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्क्राइबिंग मोशन. मोशन को डिस्क्राइब करेंगे. मींस वी आर एक्चुअली स्टडी अबाउट काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक. वी आर नॉट कंसिडरिंग डायनेमिक्स. मींस वी आर नॉट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ दिस मोशन. वी आर नॉट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ दिस मोशन. We are only focus ourselves on the result, and the result is motion, and motion is created because of the force. Okay. Yes, sir. Shall I erase the screen? Yes, sir. Okay. Now, जब हम लोग motion को पढ़ते हैं, ठीक है बेटा? हम लोग किसको पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स को.
ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के कुछ पैरामीटर होते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, पोजीशन के बारे में। देन किसके बारे में पढ़ेंगे, रिफरेंस के बारे में। देन किसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। After displacement, we will study about distance. Distance. Distance के बाद speed. देखो, हम जब speed की बात करते हैं, तो speed के दो टाइप के होते हैं, ठीक है? एक होता है instantaneous speed, दूसरा होता है average speed. ठीक है बेटा? सिमिलरली हम लोग उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी भी क्या होंगे, दो टाइप के होंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। देन एक्सीलरेशन, यस, आफ्टर एक्सीलरेशन क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिलेटिव मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव के बाद 1D मोशन, टू डी मोशन, ठीक है बेटा। ये सब क्या है, ऑल आर द पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। सर, हाँ जी सर, इसमें सर यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म नहीं है बेटा, सब बताऊंगा ना। यस, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं 1D मोशन में, वहां पर ही हम लोग पढ़ लेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जब वेलोसिटी को पढ़ेंगे ना या स्पीड को, वहीं पढ़ लेंगे कौन सा यूनिफॉर्म होता है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म, यस सर। ठीक है, देखो तो क्लास 9 में हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी हमारे सिलेबस में है, ठीक है? रिलेटिव मोशन को थोड़ा बहुत टच करेंगे, ठीक है, अधिक डीप में नहीं जाएंगे। 1D मोशन और 2D मोशन, 2D को साफ नहीं पढ़ेंगे, 1D को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेंगे सिर्फ, ठीक है। 1D मोशन पोजीशन को पढ़ेंगे, रिफरेंस को पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे, डिस्टेंस को पढ़ेंगे, ये सब को पढ़ेंगे। अभी तक इसमें किसी को पूछ सकते हो? नो सर। यस सर। नो सर, सारा चीज बता दूंगा, ठीक है। यस सर, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। जहां तक ज्यादा ही बताऊंगा, कम नहीं बताऊंगा। यस सर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करें। यस सर, यस सर, इसको अरेंज कर दूं। यस सर, यस सर। अब देखो, सबसे पहला पैरामीटर मेरा क्या था, पोजीशन। चलो पोजीशन से पहले भी हम लोग एक चीज को पढ़ लेता हूँ, स्केलर एंड वेक्टर को। यस, स्केलर एंड वेक्टर को, ठीक है। हम लोग डिफरेंस देखेंगे। हाँ सर, वो वर्ड बोल रहे हैं। यस सर, हम लोग बेसिक डिफरेंस देखेंगे स्केलर और वेक्टर के बीच। यस सर, और वेक्टर में एंड वेक्टर में, ठीक है। देखो सिंपल चीज, जब भी हम लोग फिजिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी, yes, ठीक है, वो इसी दो के अंदर क्लासिफाई होते हैं। एक को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, दूसरे को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जब हायर स्टडी में जाओगे, एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर, यस सर, टेंसर,
टेंसर बट टिल नाउ वी विल नॉट स्टडी अबाउट द टेंसर क्वांटिटी मींस ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ग्रुप्ड अंडर स्केलर स्केलर एंड वेक्टर टेंसर क्वांटिटीज ओके यस सर हम लोग क्या करेंगे ब्रीफ लुक करेंगे किसके ऊपर स्केलर और वेक्टर के ऊपर स्केलर होता क्या है सिंपली देखो अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहे तो क्या होना चाहिए इसके पास या तो मैग्नीट्यूड होगा या डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड की बात हम जब करते हैं तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है सिंपली ए मैथमेटिकल नंबर फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड दिस मींस मैग्नीट्यूड ओके यस और देखो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसलिए मेजरमेंट को पहले पढ़ते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है यूनिट्स भी होते हैं क्योंकि जब तक नहीं होगा उसका सेंस क्लियर नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं 2 अगर सपोज करो आप मार्केट जा रहे हो ठीक है और आपकी मम्मी ने बोली बेटा 2 राइस लेते आना ये क्या इनकम्प्लीट डाटा है ठीक है इनकम्प्लीट डाटा क्यों है क्योंकि 2 केजी लाना है 2 ग्राम लाना है या 2 क्विंटल लाना है क्या लाना ये क्लियर नहीं है इसलिए क्या होता है यूनिट्स की हेल्प ली जाती है फॉर एग्जांपल योर मदर से गो एंड ब्रिंग 2 केजी राइस मींस इट इज क्लियर यू हैव टू ब्रिंग 2 केजी राइस व्हेन यू से द शॉपकीपर टू गिव मी 2 केजी राइस ही विल गिव यू 2 केजी राइस यस सर बिकॉज इट इज द कंप्लीट डाटा So about this magnitude and unit, we have already studied in the first chapter. That is available on our YouTube channel. Okay? But today, we will only focus ourselves on the magnitude and the direction. Okay? Yes, sir. For example, you are moving in this direction. And you treat this direction as a positive. It is not confined that this direction is treated as positive. ऐसा कोई restriction नहीं है. ये आप independent हो. किसी भी direction को positive ले सकते हो. हाँ. अगर आप इस direction को positive लिए हो, इसके opposite direction को आप negative लोगे. Yes sir. कोई है जो इस direction को positive लिया? इसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लिया नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें अगर हम लोग डायरेक्शन की बात ना करें वो क्वांटिटी क्लियर होगा ही नहीं सपोज करो हम बोलते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है ठीक है इसके ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ठीक है जब मैं बोला हूँ 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और आपसे पूछा जाएगा फोर्स ऑफ रिएक्शन ये फोर्स पुलिंग है या पुशिंग है इट इज नॉट क्लियर ये फोर्स पुशिंग है या पुलिंग है इसके लिए जब तक हम लोग डायरेक्शन को नहीं यूज करते हैं सपोज करो अगर इस फोर्स का ये डायरेक्शन हो ये क्या हो गया पुशिंग हो गया अगर इसका ये डायरेक्शन पुलिंग हो गया तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो बिना डायरेक्शन के कंप्लीट नहीं माने जाते हैं ठीक है तो जब बेटा हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर इट कि स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड यस सर मींस स्केलर क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी क्या है डिपेंड नहीं कर रहा किस पे डायरेक्शन के ऊपर डायरेक्शन क्या है मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड है जैसे हम आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे
डिस्टेंस एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। वो पाथ है, इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको पॉइंट से मतलब है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन, और क्या हो, डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन डायरेक्शन, ठीक है। यस, फॉर एग्जांपल जब आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन भी होता है। व्हेन आई से डायरेक्शन दैट मींस इट डिपेंड ऑन द पाथ वी फॉलो, ये सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब मानो पाथ, और जब मैं पाथ कह रहा हूं ध्यान रखना, पाथ कहने का मतलब है उसके डायरेक्शन से। यस सर, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन चेंज। यस सर, तो इसलिए मैं पाथ के ओरिएंटेशन की बात करता हूं, ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो बस इतना ही क्लियर रखो कि स्केलर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मींस स्केलर क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, बट वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड ऑन द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ओके, इफ द डायरेक्शन चेंज the vector quantity automatically changed, but in the scalar quantity, if you want to change the scalar quantity, we have to change their magnitude. Suppose if the direction is same and the magnitude is changed, that means the scalar quantity have changed. Another case, let the direction changed but the magnitude does not changed, that means the scalar quantity does not change, because a scalar quantity never depend on the direction, direction it only depend on the magnitude. Yes sir. Huh? Am I clear? Yes sir. Now after direction, one thing you can also remember, that a scalar quantity, yes sir, a scalar quantity follows simple law of addition. Okay, when I say simple law of addition, for example, yes, 2 + 2, that is 4. Yes sir. 5 + 3, that is 8. This is the simple law of addition. Okay. But yes, sir, follow a special law of addition. A special law of addition. Okay. When I say a special law of addition, that means it may be triangle law. Triangle law. It may be parallelogram law. Okay. जो भी vector होता है वो as simple as addition नहीं होता उसका. For example, एक vector ये है, दूसरा vector. Yes, sir. Okay. अब दोनों को एड करना है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, हम लोग ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे, मींस वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम टू एड दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, एंड व्हाट विल द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर
परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्या ये जो एडिशन है ये सिंपल है? एक स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है जिसको हम ट्रायंगल लॉ बोले या पैरेललोग्राम लॉ बोले। फॉर एग्जांपल जब हम दो इस वेक्टर को ऐड कर रहे हैं जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, दैट मींस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं उसके ऊपर एक एरो साइन होता है, जैसे ए हुआ इस तरह से एरो साइन डिनोट करते हैं, ये वे होता है रिप्रेजेंट एनी वेक्टर क्वांटिटी। ओके ओके तो बस इतना ध्यान रखो कि जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं वो सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, और जो वेक्टर होता है वो क्या करता है बेटा, स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, क्या होगा उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, और कौन से लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, और जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, एडिशन भी होना चाहिए। ठीक है, और स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या है, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टेल मी इज इट ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? सर स्केलर, वेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, यस सर। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करता। व्हेन आई से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दैट मींस स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। दैट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, दाउ इलेक्ट्रिसिटी फॉलो, now electricity have direction, simple, and magnitude, yes but sir. Electricity does not follow vector law of addition, simple, when yes, I say vector law, vector law of addition, that means it will not add special law like addition. A triangle, isko hum log kya bolte hain, jaise triangle mein kaise karte hain, pythagoras theorem ko use karke do quantity ko add kar rahe the, ये क्या करता yes, है सर, फॉलो हेलो, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। यस सर, क्या नाम है, समीर? यस सर, पूछ रहा था बेटा। यस सर, तो सर इलेक्ट्रिसिटी सर स्केलर है तो सर कैसे उसका कोई एग्जांपल सर आप दे सकते हैं, क्योंकि सिंपल लॉ ऑफ एडिशन है, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम देखो, अगर तुमको यूनिट को एज मेजर करना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, करेंट, yes, sir. तो करेंट को हम लोग एज सिंपली ऐड करते हैं, जैसे 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इट विल गिव्स यू 5 एम्पियर, एज सिंपल, ओके, यस सर। लेकिन क्या मैं मानो फोर्स है, ठीक है, यस सर, यस, मानो 3 न्यूटन इधर है और 5 न्यूटन इधर है, व्हाट विल द रिजल्टेंट, कैन वी से 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 8 न्यूटन, इज दिस द आंसर? नो सर, नो सर, नो नो सर, बिकॉज़ व्हाट फॉलो द सिंपल लॉ ऑफ एडिशन, इट विल फॉलो सर, इट इज अ स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन, यस सर, एंड द स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन इज द ट्रायंगल लॉ, that means root under yes, 5 ka square plus 3 ka square, yes sir, okay. 6 ka square, force is a vector quantity, okay, yes sir, displacement is a vector quantity, yes sir, yes sir, displacement also, velocity is a vector quantity, acceleration yes, is a vector sir. quantity, okay, stress, yes sir,
ओके स्ट्रेस हेलो दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा व्हाट इज स्ट्रेस फोर्स और यूनिट एरिया टेल मी इज इट वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी सर वेक्टर वेक्टर स्केलर इज नाइदर ए वेक्टर क्वांटिटी नॉर ए स्केलर क्वांटिटी इट इज टेंसर क्वांटिटी इन द हायर क्लास when you study about the tensor quantity means the quantity that can be expressed into 3x3 matrix jisko hum log kya karte hain 3x3 ke matrix ke form mein represent kar sakte hain theek hai yes sir to dekhoge jo stress hota hai usko hum log is tarah likhte hain sigma xy xx sigma xy sigma xz sigma yx sigma yy sigma yz इसी तरह यहां पे क्या होगा sigma sir sigma क्या होता है sigma zy sigma zz ये क्या हुआ 3x3 का मैट्रिक्स फॉर्म हुआ जो हम लोग सीनियर क्लास में पढ़ेंगे तो स्ट्रेस दैट इज फोर्स अपॉन एरिया can be expressed in the form of 3x3 matrix that's why stress is neither a vector quantity nor a scalar quantity it is a tensor quantity okay there are different types of stress shear stress okay Yes. कंप्रेसिव स्ट्रेस ये सब आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभी बस इतना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि स्केलर क्या होता है वेक्टर क्या होता है इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछो नो सर नो सर हाँ जी किसी कोई डाउट No, sir. Shall I proceed? Yes, sir. 2 minutes बचा हुआ है इसके बाद फिर से क्लास शुरू होगा कुछ पूछना है तो पूछ लो No, sir. क्यों नहीं 2 minutes बाद फिर से क्लास चालू करूंगा ठीक है